हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम गरम कमीज की कटिंग करना बताएंगे। यदि आप इस तरीके से कमीज की कटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग बिल्कुल सही आएगी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी जो भी नई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं कमीज की कटिंग करना। ये हमारे पास जो है कमीज का कपड़ा है, ये आगे की साइड है कमीज की, और ये जो है इसमें हमारे कमीज की बैक साइड है, और ये साइड में से जो है ये बाजू का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम कमीज के कपड़े को अलग कर लेंगे और बाजू के कपड़े को अलग कर देंगे। कमीज का कपड़ा हम जितना हमें चाहिए, जितनी हमें झोली तैयार करनी है उसी हिसाब से अलग निकाल लेंगे। अब हमने ये कमीज में कपड़े का निशान लगा लिया है। जैसे हमें घेरा 20 इंच चाहिए तो 20 का आधा 10 करके 10 में हमने 1.5 प्लस कर लिया, तो ये 11.5 पर, जैसे जितना भी हमें घेरा बनाना हो उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेंगे, क्योंकि वो 1.5 इंच हमारा साइड में दबाव में आएगा। तो उस तरह से हम ये कपड़े को पहले निशान लगा लिया है, कपड़ा हम अलग कर लेंगे। साइड का बाजू का कपड़ा अलग हो गया है, ये कपड़ा हमने अलग से निकाल लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने अब इसमें निशान लगा लिए हैं, जितने भी हमें कमीज के जिस हिसाब से लगाने थे। ये हमने गले का निशान लगा लिया है, ये 6 इंच पे लगाया है, ये चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है, और ये हमने फिटिंग के हिसाब से लगा दिया है। ये जो फिटिंग का निशान है ये 7.5 पर आता है, और ये चौक का जो निशान है ये 14.5 इंच पर आता है। और वैसे मैंने एक कमीज पहले भी कटिंग करके बताया हुआ है, उसमें अच्छे से पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि कमीज की कटिंग किस प्रकार की जाती है। तो यदि आप चाहें तो उस वीडियो में भी देख सकते हैं, और यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो अब हमने निशान लगा लिया है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये गला हम बुकरम पर बनाएंगे, तो इसकी हम कटिंग करते हैं। अब हमारी कमीज की जो कटिंग है ये कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो में हम बाजू की कटिंग करना बताएंगे। धन्यवाद।